हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह ध्यान से समझिए कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। कि जब भी देखिए, जब भी हम किसी भी एल्गोरिथम की एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी एल्गोरिथम की एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम, तो उसमें क्या होता है कि ये बहुत ही मेजर टास्क है। इट इज़ ए वेरी मेजर टास्क इन कंप्यूटर साइंस, कोई भी एल्गोरिथम की एनालिसिस करना कि वो कैसे बनी है, कितनी एफिशिएंट है, दूसरे के कंपेरिजन में कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ें। तो अब इन ऑर्डर टू कंपेयर एल्गोरिथम, अगर कई दो या दो से ज़्यादा एल्गोरिथम्स को कंपेयर करना है एक दूसरे से, तो उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए, एल्गोरिथम की एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सर्टेन क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अब इसमें हमने कहा कि मान लीजिए कि सपोज एम इज एन एल्गोरिथम, मान लीजिए एम क्या है, एम इज एन एल्गोरिथम, ये कोई एल्गोरिथम है, ठीक है, और एन इज द साइज ऑफ इनपुट डाटा, और इसमें जो इनपुट डाटा का साइज है, हमने कहा इनपुट डाटा का जो साइज है वो क्या है, वो एन है। तो अब देखिए, जब भी किसी एल्गोरिथम की एफिशिएंसी आप मेजर करते हैं तो उसके अंदर दो ही मेन क्राइटेरिया होता है। देर आर टू मेन मेजर्स फॉर द एफिशिएंसी ऑफ एम। कौन कौन से दो? एक होता है टाइम, एल्गोरिथम कितना टाइम ले रहा है, और स्पेस, एल्गोरिथम कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितना स्पेस उसको चाहिए रन करने के लिए, ठीक। अब इसमें दो, इन दो मेजर मीजर्स में टाइम और स्पेस, ठीक। अब टाइम कैसे पता चलता है? तो देखिए, टाइम इज मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ की ऑपरेशंस इन सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम। तो टाइम को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर सॉर्टिंग, डाटा को सॉर्ट करने के एल्गोरिथम है, या सॉर्ट या सर्च करने की, कोई डाटा, पर्टिकुलर डाटा सर्च करना है, तो सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ की ऑपरेशन होते हैं, नंबर ऑफ की ऑपरेशंस, उस पे डिपेंड करता है टाइम, पहली चीज। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ कंपैरिजन, जैसे मान लीजिए आप नंबर ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस पे टाइम डिपेंड करेगा। एंड दिस इज बिकॉज की ऑपरेशंस आर सो डिफाइंड दैट द टाइम फॉर द अदर ऑपरेशन इज मच लेस देन और एटमोस्ट प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर द की ऑपरेशन, ठीक है। और ये तो हो गया टाइम का। स्पेस कैसे मेजर करते हैं? द स्पेस इज मेजर्ड बाई काउंटिंग द मैक्सिमम ऑफ मेमोरी नीडेड बाई द एल्गोरिथम। उस एल्गोरिथम को रन कराने के लिए कितनी मैक्सिमम मेमोरी हमको चाहिए, वो स्पेस मेजर दे देगा। तो स्पेस मेजर में हम ये करते हैं मैक्सिमम मेमोरी रिक्वायर्ड, और टाइम मेजर में हम ये देखते हैं कि सॉर्चिंग और सर्टिंग एल्गोरिथम में नंबर ऑफ की ऑपरेशंस कितने हैं, ठीक। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम एम इज द फंक्शन एफ एन। यानी अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम एम क्या होगा, इज ए फंक्शन एफ एन, या एन क्या है, इनपुट डाटा साइज। तो फंक्शन एफ एन होगा विच गिव्स द रनिंग टाइम एंड और स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ द साइज एंड ऑफ द इनपुट डाटा। यानी कोई फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू कुछ भी, से मान लीजिए हमने कहा एन स्क्वायर प्लस एन, इस तरह होगा। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि रनिंग टाइम कितना है, उस एल्गोरिथम को रन करने में कितना टाइम लग रहा है, और उसके स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट क्या है, और जो डिपेंड करेगी किस पे, इनपुट डाटा साइज एन पे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जनरली क्या होता है, फ्रिक्वेंटली द स्टोरेज स्पेस रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम इज सिंपली ए मल्टीपल ऑफ द डाटा साइज एन। जनरली क्या होता है कि जो स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है वो डाटा साइज एन का मल्टीपल होती है। मतलब एन अगर मान लीजिए टू है, तो सपोज कीजिए हमने कहा कि साहब 100 मेमोरी की जरूरत पड़ रही है, हमने कहा 4 है तो दुगना कर दिया, तो उधर 200 की जरूरत पड़ी, एंड सो ऑन, ठीक है।
अकॉर्डिंगली अनलेस अदरवाइज स्टेटेड और इम्प्लाइड, मतलब अगर इसी इसी के हिसाब से हम चलें तो जब तक कि या तो अनलेस एंड अनटिल इट इज स्टेटेड द टर्म कॉम्प्लेक्सिटी शैल रिफर टू द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिथम, क्योंकि स्पेस की जो रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्ट मल्टीपल होती है इनपुट डाटा साइज का, तो इसलिए जनरली क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कायदे से एल्गोरिथम का रनिंग टाइम ही शो करती है, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक, अब इसको अगर एक एग्जांपल से आपको समझना हो तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोज कीजिए, और ध्यान से सुनिए इसको। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज वी हैव एन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी टेक्स्ट एंड सपोज वी वॉन्ट टू सर्च थ्रू टेक्स्ट फॉर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए गिवन थ्री लेटर वर्ड डब्लू। इफ डब्लू इज द थ्री लेटर वर्ड द, देन इट इज लाइकली दैट डब्लू अकर्स नियर द बिगनिंग ऑफ टेक्स्ट, सो एफ एन विल बी स्मॉल। ऑन द अदर हैंड इफ डब्ल्यू इज द थ्री लेटर वर्ड लाइक जू, देन डब्ल्यू मे नॉट अपियर इन टेक्स्ट एट ऑल, सो एफ एन विल बी लार्ज। मतलब क्या कह रहा है ये कि मान लीजिए हमारे पास, वी आर गिवन एन इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी टेक्स्ट, मान लीजिए हमारे पास कोई इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी है टेक्स के नाम से, ठीक है, इसके अंदर जो है अपना ये शॉर्ट स्टोरी ये लिखी हुई है, ऐसे समझ लीजिए आप इंग्लिश में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सपोज वी वांट टू सर्च थ्रू टेक्स्ट, इसके अंदर हमें फॉर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ ए गिवन थ्री लेटर वर्ड डब्लू। ठीक है, अब हमें एक थ्री लेटर का कोई वर्ड सर्च करना है, उसको हमने नाम दिया है डब्लू। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर डब्लू है हमारा क्या वर्ड, वर्ड दे दिया हमने डब्लू, क्या है डब्लू है टी एच ई द, तो अब देखिए दी वर्ड ऐसा है, क्या होगा कि वेरी लाइकली दिस एकर्स नियर द बिगनिंग ऑफ टेक्स्ट, तो चूंकि जनरली कई सेंटेंस की शुरुआत जैसे होती है तो वेरी लाइकली बहुत उम्मीद है कि ये जो द है ये आपको पहली पहला ही वर्ड मिल जाए या पहली लाइन में मिल जाए या दूसरी मिल जाए, मतलब शुरू में ही मिल जाएगा आपको। तो जब शुरू में ही मिल जाएगा तो जो एफ एन हम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे वो एफ एन क्या होगा, एफ एन विल बी स्मॉल। ठीक, और मान लीजिए हमने कहा नहीं द नहीं सर्च करना, अगर हमको सर्च करना है सपोज कीजिए दूसरा वर्ड उसने दे दिया है, कोई ऐसा वर्ड लीजिए से हमने कहा जू इस तरह का, तो अब जू वर्ड देखिए द तो बड़ा कॉमन वर्ड है, वेरी लाइकली इट विल अकर, लेकिन जू वर्ड तो ऐसा है कि हो सकता है पूरी स्टोरी हम सर्च कर ले जाएं और जू वर्ड हमको ना मिले, या अगर मिले भी ठीक है तो एकदम लास्ट में मिले, यहाँ कहीं या यहाँ कहीं, या हो सकता है ना ही मिले। तो इस केस में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्सिटी का फंक्शन होगा एफ एन वो क्या होगा, वो लार्ज होगा। तो इस तरह डिपेंड करता है कि हम क्या चीज सर्च कर रहे हैं और कैसे सर्च कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन एफ एन है उसमें दो केस होगा, इसका मतलब कि जो कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन एफ एन विल हैव टू केसेस। ठीक है, कौन कौन से, एक तो पहला है वो है वर्स्ट केस, वर्स्ट केस तो ये हो गया कि साहब हमें वो मिला ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑफ एफ एन निकलेगा। ठीक, और दूसरा केस जो है, एक तो वर्स्ट केस एनालिसिस हो गई, दूसरा है एवरेज केस, एवरेज के, इसीलिए एल्गोरिथम की एनालिसिस दोनों ढंग से होती है, वर्स्ट केस एनालिसिस भी की जाती है, एवरेज केस एनालिसिस भी की जाती है। इसमें क्या है, इसमें आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन मिलेगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एन मिलेगा। तो
तो किसी भी एल्गोरिथम की जो कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन को हम एनालाइज करते हैं, या किसी भी एल्गोरिथम की जब हम कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं, तो दो तरह से एनालिसिस की जाती है। एक कहलाती है वर्स्ट केस एनालिसिस और दूसरी कहलाती है एवरेज केस एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि समटाइम्स वी ऑल्सो कंसिडर द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एन एंड दैट इज कॉल्ड बेस्ट केस एनालिसिस कुछ जगह पे। ठीक है, समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम्स क्या होता है, तीसरे तरह की एनालिसिस होती है, दैट इज कॉल्ड बेस्ट केस एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि एफ एन जो है, जो भी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो मिलता है हमको, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो कायदे से समझा जाए तो ये तीन तरह से किसी भी एल्गोरिथम की एनालिसिस की जाती है, वर्स्ट केस एनालिसिस, एवरेज केस एनालिसिस और थर्ड हो गया आपका बेस्ट केस एनालिसिस। तो किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को इन तीनों केसेस को ध्यान में रखते हुए एनालाइज किया जाता है। इसमें भी जो बेस्ट केस एनालिसिस है ये कभी कभी यूज होता है, समटाइम्स, तो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो वर्स्ट केस एनालिसिस का है और एवरेज केस एनालिसिस का है। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इसी अभी इसी टॉपिक को, कॉम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस को ही एक एग्जाम्पल लेके आपको समझा दें। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।